अब मैं आपको बताऊंगा आज कि ये मदरबोर्ड को अब सीपीयू में कैसे फिक्स करना है। सही है, तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, ये हमने पूरा बोर्ड साफ कर लिया है इस तरीके से, मिट्टी के तेल से धोया पूरा, और इसको हम इसको यहाँ पे रखेंगे, बिछाएंगे। तारे ऊपर पहले आप कर ले आराम से इसकी, ताकि आराम से बैठ जाए। सही है, ये आपका मदरबोर्ड बैठ गया। सही है, ये इधर से निकालेंगे। सही है, इसमें मैं ये मेरे पास नट है, ये नट है और ये पेच का सही है, उसको लगाऊंगा मैं। एक नट ये है मेरे पास और तकरीबन यही नट है, एक नट रह गया मेरे पास। मैं देख रहा हूँ कहाँ पे लगाना है, यहाँ लगा देता हूँ। ये लग गया है, प्रोसेसर लग गया है। सही है, अब सबसे पहले मैं ये वाला क्लिप इसका ये लगा देता हूँ, ये वाला क्लिप को भी मैं ब्रश से थोड़ा साफ कर देता हूँ। ये इधर आ रहा है तो इधर ही लगेगा ये। अब यहाँ पे देखना, इस जगह पे देखना, यहाँ पे सबसे पहले मुझे कौन सी लगानी है। यहाँ पे एक दो तीन, देखिए एक पीली है, एक हरी है, एक नीली है। पीली नी, हरी नीली से मिल जाएगी,
वाइट वाली छोटी से मिल जाएगी, ये ब्लैक वाली यहाँ पे लग जाएगी। मैंने लास्ट टाइम भी इसी तरह निकाला था तो मुझे याद है, और लास्ट टाइम भी मेरा सिस्टम ऑन नहीं हो रहा था तो मैंने यही सब कुछ किया था। आज मैंने सोचा आपके लिए वीडियो बना रहा। मेरा नाम सर मेराज मिर्जा है और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आ रही है तो इसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाली हर नई वीडियो आप तक आसानी पहुँचाए। ये देखें, नीली नीली से लगानी है, हरी हरी से लगानी है और येलो येलो से लगानी है। मैंने आपको बता दिया था जब आप निकालने से पहले ना इसकी एक वीडियो या स्नैपशॉट ले लें, इससे ये फ़ायदा रहेगा आपको कि आप अगर भूल जाएंगे कौन सी कहाँ तो आपको आसानी रहेगी। यहाँ पे आप देख रहे हैं इसके जितने इसके होल हैं, सुराख हैं, एक साइज पे हैं, सेम वापस की पिन है। ये बैठ गया, सही है, ये हो गया, ये हो गया। ये तार कहाँ से आ रहा है? ये तार आ रहा है मेरी हार्ड डिस्क से निकल के आ रहा है, और ये तार मैं यहाँ से लाता हूँ और इसको यहाँ पे आप देख रहे हैं, ये दिखाइए, ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये आपके पास आ रही है यूएसबी पोर्ट समझ लें, उनमें से आप किसी भी एक पे लगा दें। अब यहाँ पे ये आ रहा है वाइट कलर का, ये यहाँ पे लगेगा क्लिप इसका। क्लिप लग गया इसका वाइट कलर का, और ये इसका पावर केबल है। ये 12 वोल्ट का आपके पास सप्लायर है, ये सप्लायर होता है 12 वोल्ट का ही है। जब इसमें से जब हम के इलेक्ट्रिक की प्लग लगाते हैं तो वहाँ से 220 निकलता है, वो इसको कन्वर्ट करता है 12 वोल्ट में, और 12 वोल्ट के थ्रू आपका पूरा बोर्ड चल रहा होता है। ये इसकी पावर है, यहाँ से 12 वोल्ट आ रहा है। एक इसको पावर यहाँ बोर्ड में इस जगह पे मिल रही है, एक इस जगह पे मिल रही है यहाँ पर, और ये मैंने ये वाली वायर लगा दी है, सही है। ये वायर भी एक है, ये कहाँ लगेगी वो मैं देख रहा हूँ, यहाँ पे लगेगी इस जगह पे। ये लग गई है, अब मैं यहाँ पे इसको यहाँ पे रख देता हूँ इस तरीके से, ये आ गई है। मैं रैम लगाता हूँ कि मेरे पास रैम होती है, इसको मैं पलट के लगाऊंगा। मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि रैम लगाने का तरीका क्या होता है, इसमें कट लगा हुआ होता है, कट कट से आपको देखना ये फासला ज़्यादा है फासला कम है। तो यहाँ पे जो स्लॉट है उसकी 4 स्लॉट हैं, वहाँ पे आपको लगाना है ताकि फिट बैठ जाए। ये मैंने दूसरी रैम ली, ये दूसरी रैम है, ये भी मैंने पूरी क्लीन साफ की हुई, रबड़ से भी साफ की थी और मिट्टी के तेल से भी मैंने ब्रश मार के साफ की हुई। मज़ीद अब इसमें सफाई की कोई गुंजाइश मुझे लग नहीं रही है, अगर चलनी होगी तो चल जाएगी, वरना फिर समझ लें रैम उड़ गई है, ख़राब है, कुछ भी हो सकता है। पर ये रैमें अभी सही है सारी, इंशाल्लाह उम्मीद है फोन हो जाएगा। अब ये रैम है यहाँ पर, ये मैं तीसरी स्लॉट में लगा रहा हूँ। जब आप लगाएंगे तो इसके क्लिप होते हैं, ये क्लिप इसको बिठाना है, फिर बिठा के क्लिप लगाना होता है। ये जब आप लगाएंगे ना तो कट करके एक आवाज़ आएगी, आपको पता चल जाएगा, यकीन हो जाएगा हाँ यार ये रैम इस पर बैठ गई है। अभी चौथी रैम है मेरे पास, इसको मैं लगा रहा हूँ। सही है, तो इस तरीके से आप अपने सिस्टम में ये लगाएंगे। अब ये है, इसको मैं सफाई करूँ,
ये आपका जो होता है ये फैन देख रहे हैं पंखा, और ये प्रोसेसर को हीट हो रहा होता है, हीट करने कोई फैन जो है ये एग्जॉस्ट फैन है इस तरीके का, और आपका जो ये है प्रोसेसर। अभी मैं प्रोसेसर की एक चीज़ और लगाऊंगा, अभी आपको दिखाता हूँ, फिर उसके बाद ये मैं लगाऊंगा। ये भी कूलिंग सिस्टम करता है आपके पास, ये कूलिंग कूलर होता है इसका, समझ लें एक तरीके का। जो ये सबसे ज़्यादा मैंने आपको बताया था ना मदरबोर्ड का, ये होता है सीपीयू, सीपीयू ये पूरा मदरबोर्ड है आपका, और ये क्या है प्रोसेसर है। प्रोसेसर क्या होता है, सीपीयू आपका पूरा, ये है ये प्रोसेसर है, ये कंप्यूटर का दिल होता है, हार्ड समझ लें। सबसे महंगी चीज़ यही होती है पूरे सीपीयू में, सबसे महंगी चीज़ यही होती है, और ये सबसे ज़्यादा गर्म हो रही होती है, बहुत ज़्यादा हीटअप हो रही होती है, बाज़ अवकात हीटअप होने की वजह से सिस्टम प्रॉब्लम करता है। तो ये कूलर होता है इसका, समझ लें। ये भी इसमें पीतल की प्लेटें डली हुई हैं, और ये आप देख रहे हैं रॉड है यहाँ पे, पीतल रॉड है। और ये मैं बस कपड़े साफ कर लेता हूँ, ये जस्ट एक पुर्जा है जो कूलर का काम करता है, और इसको भी बहुत एहतियात से आपको देखना है, इसमें भी छुरी टाइप के प्लेट्स लगे हुए हैं। अच्छा, इसको लगाना किस तरह है, यूँ लगाना, यूँ लगाना, यूँ लगाना, कैसे ये देखना है। इसको मैं लगाऊंगा वैसे, क्योंकि इसकी ये साइड यहाँ पे देखें कमारी है, सही है, क्योंकि यहाँ पे जब मैं इसका वो लगाऊंगा ना अभी कूलर, तो फिर मुझे देखना है। अच्छा देखें, ये मैंने लगा रहा हूँ, तो यहाँ मैंने नट लगा दिया, ये मैंने गलत नट लगा दिया है, ये तो इसका था, तो इसको मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यानी कि इसके चार नट तो अलग ही हैं। तो ये नट मैं यहाँ पे लगा देता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ, यहाँ लगा सकता हूँ। एक्चुअली इसके नट ना मुकम्मल हैं नहीं, सही है, जब मैंने सिस्टम लिया था तो इसके जितने नट मुझे मिले मैं उतने ही लगा रहा हूँ, फिर भी इसके तीन चार नट अभी भी मिसिंग है, पर ये कि काम चल जाता है। बस आपका में ये होता है मदरबोर्ड इधर इधर मूव नहीं होता है, ये होता है इसको फंसाना होता है, तो चार मिनट भी अगर लग जाते हैं तो काफ़ी है। पर एक बात ये भी है, जब एक कंपनी इतनी एक्सपेंसिव कंपनी कोई चीज़ बना रही है तो वो उतने ही होल देती है जितने नीड होते हैं, तो वैसे तो अगर आपके नट पूरे हैं होने चाहिए बाई डिफॉल्ट, पर फिर भी हम काम चला लेते हैं। ये मैं लगा रहा हूँ इसको कूलर सीपीयू का, हाथ बचा के काम करना है, बहुत एहतियात से काम करना है, ये समझ लें इस वक्त ब्लेड का काम है, आपका हाथ नहीं जाएगा तो कट सकता है, तो बहुत इसमें समझदारी से काम करना होता है। देखिए मैं चार नट इसके लगा रहा हूँ ताकि ये इसको